of C in Rolle's theorem for the function this in the interval this. अच्छा, इस फंक्शन के लिए हमें रॉल्स थ्योरम निकालना, तो सिंपल है बेटा, c इक्वल टू जीरो करने पर, अरे ये रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा ही अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो, कोई जरूरत नहीं उसको चेक करने की। एफ एक्स क्या है, एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स है ना जी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है ना, तो एफ डैश सी की बात करते हैं वो जीरो के इक्वल करेंगे ना जी, थ्री सी स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा थ्री बाई थ्री वन आ जाएगा, और वन आने का मतलब यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर वन, यानी कि हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस वन, ठीक है। लेकिन हमें देखना होगा इस इंटरवल के लिए, तो निगेटिव वाला तो नहीं होगा, सी बिलोंग करना चाहिए ना इस इंटरवल में, तो सी का वैल्यू हम लोग प्लस का वन लेंगे क्योंकि वही जो है जीरो से रूट थ्री के बीच में लाइन करेगा, तो यानी कि ए नंबर हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।